पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी आज आपके समक्ष भ्रष्टाचार के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक 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 करेंगे, नाटक करेंगे, नाटक करेंगे, सच्ची बातें करेंगे। नाटक 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 करो सर, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप बता सकते हैं? हमें बहुत जरूरी काम है, पहले नहीं बैठे हैं सर। वो तो मैं कह रहा था कि कुछ लेने क्या ला। एक सरकारी अफसर को रिश्वत, माफ कीजिए सर, लेकिन इसमें गलत बात क्या है? आजकल तो रिश्वत खाना पानी और हवा से होता है। जब कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, ईमानदारी कीमत समझिए। कीमत तुम्हें रिश्वत की कीमत क्या पता? इसे तो डेमो देना पड़ेगा। डेमो नीमा रेखा जाया और सुषमा, उन सब की पसंद रिश्वत। रिश्वत ये क्या रिश्वत सी चल रखा है? क्या है ये रिश्वत? अरे किसी गरीब की मेहनत का हक होता है। हर भ्रष्टाचारी की जीप का ताज होता है। आप जैसे लोग ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, आप सब भ्रष्टाचारी हैं। अगर अपनी हक की कमाई किसी को देना भ्रष्टाचार है तो हाँ मैं हूँ भ्रष्टाचारी। समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलना, छोटी छोटी बातों के लिए, फॉर एग्जाम्पल बैंक में लोन लेना, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, इसको देना भ्रष्टाचार है तो हाँ मैं हूँ भ्रष्टाचारी। और तुम जो हम पर उंगली उठा रहे हो, अगर हम इज्जत ना दे तो क्या करें? अपने सपनों को आशियाना बनाने के लिए जिंदगी भर बैंक वालों के पीछे चक्कर लगाते रहे। स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ना मिलने के कारण हम अपने बच्चों को साल बर्बाद होते देखे। अगर तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आई तो क्या तुम रिश्वत नहीं दोगे? चुप भी खड़े हो, जवाब दो। बड़ा अजीब सा सपना था। भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरी समझदार जनता, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप गुलजार पार्टी को विजयी बनाइए। हमारा पार्टी की नाम की तरह की जिंदगी में मिठास मिल जाएगी। अगर इस बार हमारी पार्टी विजयी हुई तो हम आपके ऊपर टोल टैक्स माफ कर देंगे। हम पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। हम आप सबको घर घर तक मुफ्त में राशन पहुँचाएंगे। हम आपको मुफ्त की गाड़ी देंगे। हम आप सबको प्योर ऑक्सीजन देंगे। आप सब नेताओं की झूठी बातों में विश्वास कर लेते हैं, परिणाम आपके सामने है। नौक नौक। आइए। अरे रमेश बाबू आइए बैठिए। लोन का क्या हुआ? मैंने आपकी लोन की फाइल देखी थी लेकिन। पर क्या हुआ सर, फ्री पेपर कम है क्या? नहीं रमेश जी, आप मेरी बात मानिए, आप स्कूल वगैरह का चक्कर छोड़िए, आप कोई होटल फैक्ट्री ऐसा आपका ठेका ही खोल लीजिए, इसमें आपको बहुत मुनाफा होगा। इन गरीब बच्चों को पढ़ा के आपका क्या मुनाफा होगा? विद्या से आपका मुनाफा कौन सा है? रमेश बाबू आपका नहीं सही, हमारा ही कुछ मुनाफा करवा दीजिए। आप विद्या चीज के रिश्वत मांग रहे हैं। आपको जैसे ठीक लगता है वो समझिए, दरवाजा आपके पीछे ही है। अगर मेरे एक गलत कदम से उन गरीब बच्चों को फैला होता तो मुझे गलत कदम उठाना पड़ेगा। मुझे आपकी बात मंजूर है पर मैं मिडिल क्लास आदमी, मेरी जेब में इतने पैसे कहाँ? रमेश बाबू ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कल तक आपको आपके लोन की रकम आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। चुप हो जाओ, क्यों हंस रहे हो मुझ पर? जब तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आई तुमने भी तो रिश्वत की राह अपनाई। अगर मैं रिश्वत ना दी तो क्या करता? तुम क्या करते? सच्चाई की राह अपनाते। सच्चाई की राह पे कैसे चले जब इन भ्रष्टाचारियों ने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। पर दोस्तों भ्रष्टाचारी